प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बदमाशों के हौसले तोड़ने के लिए पुलिस के द्वारा बदमाशों के साथ उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मुरादाबाद जनपद में सामने आया, जब गश्त के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। पुलिस को मौके पर एक बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश के द्वारा जनवरी में मुरादाबाद में ही लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से ही बदमाश नाम बदल कर छुप कर रह रहा था। थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, कौन बदमाश है, क्या पूरा मामला है? ये थाना कटघर क्षेत्र में डियर पार्क से आगे जो रास्ता रफातपुरा की ओर जा रहा है, इसमें आज रात्रि में इंस्पेक्टर कटघर अपने मोबाइल में SSI और टीम के साथ गश्त में थे। उसी दौरान इन्हें दो व्यक्ति एक बाइक पर संदिग्ध अवस्था में प्रतीत हुए, तो उन्होंने उनसे बात करने का प्रयास किया, पर उन्होंने बिना कुछ बात सुने पुलिस की और जान से मारने की नीयत से फायर कर दी। जब उनके द्वारा पुलिस की तरफ फायर किया गया, तो पुलिस के द्वारा आड़ लेते हुए फायर से बचने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में उनके द्वारा जब दो फायर किए गए, तो पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ उनके ऊपर एक फायर किया गया, जिसमें से उस एक अभियुक्त संदिग्ध को गोली लगी है पैर में, उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। जब तक उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, उससे जितनी वार्ता हो पाई उस क्रम में यह पता चल पाया कि उनके द्वारा दो लूट की घटनाएँ एक गलछे क्षेत्र और एक कटघर क्षेत्र में घटित हुई हैं, और घटना से संबंधित जो फ़ोन था वो भी उसके पास से मिल गया। दूसरा अभियुक्त भागने में फरार रहा है, उसकी अभी कॉम्बिंग की जा रही है, एक टीम हमारी कॉम्बिंग अभी कर रही है, और संभवतः जल्दी उसे भी हम गिरफ्तार करेंगे। सर, पता चला कि जो घायल है उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? जो घायल है उसका नाम बंटी पता चल रहा है, वो बरादरी बरेली का रहने वाला है। उसके पहले भी वो जेल जा चुका है, और पूरा आपराधिक इतिहास का पता करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे बदमाश की तलाश जारी है? दूसरे बदमाश के लिए कॉम्बिंग जारी है, हमारी टीम उसे जल्द ही पकड़ेगी।